सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब एकदम ठीक होंगे। सो जैसे कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा ही था कि मैं आज जा रहा हूँ होशियारपुर, तो हम लोग ऑलरेडी ऑन द वे हैं। एंड आज भी आपका भाई लेट हो गया। मैं एक बार जरा आप सभी को टाइम दिखाता हूँ यार, ये देखो टाइम देखो 5:46 हो रहे हैं। एंड कल रात में 2:30 बजे सोया था व्लॉग एडिट करके और अपलोड करके, तो लेट हो गया। फिर मॉर्निंग में उठा, उठते उठते फिर आप लोगों को पता ही लेट हो जाता है यार। तो घर से निकला 5:30 एंड पापा ऑलरेडी बहुत तेज कार चला रहे हैं, बट ठीक है, पापा कह रहे हैं कि टाइम पे पहुंचना है तो तेज तो चलना ही पड़ेगा। तो ये हमारा भैया सोई ब्रो। हाय ब्रो, हाउ आर यू? बढ़िया बढ़िया। सो सोई भी जा रहे हैं हमारे साथ एंड हम लोग जा रहे हैं यूथ क्लब से खेलने के लिए। बाकी अगेंस्ट में टीम ऐसी है जिस टीम से पहले खेल चुका हूँ, तो मजा आएगा। अब जो भी अपकमिंग व्लॉग्स हैं उनमें मजा आने वाला है। एंड बाकी उधर कैश प्राइज है 2 या 2.5 लाख रुपए कैश प्राइज है। एंड होशियारपुर का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, मतलब बहुत ज्यादा टॉप लेवल का टूर्नामेंट होता है। और नमन भी हमें डायरेक्ट वहीं पे जाके मिलेगा। नमन शायद आज रात में 12 या 1 बजे तक आ जाएगा। और नमन ने मेरे को बोला था कि मैं डायरेक्ट होटल आ जाऊंगा 12 या 1 बजे तक। एंड अभी हमारी ट्रेन है नई दिल्ली से 6:45 की, 6:45 डिपार्चर टाइम है। ट्रेन का सफर यार मस्त होता है, मतलब मजा आता है। एंड अर्ली मॉर्निंग का है तो अलग ही मजा आएगा। दिल्ली में अभी इतनी ठंड रही भी नहीं, तो मस्त ठंडी ठंडी हवा लेते जाएंगे। मस्त गाइस, देखो सीजे फुल के बैठे हुए हैं, बढ़िया। अब मौसम मस्त हो गया है, ऐसी मौसम अगर ऑल टाइम रहे तो मजा नहीं आता भाई, है ना। अभी थोड़ी देर में देना गाइस गर्मी आ जाएगी, फिर ऐसे ऐसे हो जाएगी यार, इतनी ज्यादा गर्मी में यार। एक महीने के अंदर आ जाएगी गर्मी इस बार पूरी आ जाएगी भाई, एक महीने 10 दिन रुक जाते। हम स्पोर्ट्स मैन को पता है क्या हालत होती है, और खास करके जो हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट वालों को जो पूरे दिन फील्ड में रहते हैं बेचारे, उसमें 40 डिग्री 42 डिग्री ऐसी तैसी हो जाती है भाई। 1-1.5 महीने की मुश्किल से ठंड आई, ठंड ही भाग गई गाइस। यार क्या सीन है यार, हद होगी यार। मैंने मेरे पापा कुछ टिप्पणी कर रहे थे मैच के बारे में, पापा जी फुल एकदम सैड है इंडियन टीम को लेके, कह रहे अभी अंकित कुमार ने ना टीम में, इसलिए पापा सैड है मेरे, कह रहे हैं इंडियन टीम के विकेट गिरते तो सीधे लड़ी लगाती है, और ऑस्ट्रेलियन टीम मारती तो सीधे मारती ही रहती छक्का चौका। तो मैंने कहा तभी डैडी ऑस्ट्रेलियन टीम 70 रन पे ऑल आउट हो गई है, कह रहे हो तो एक बार जीतेगी बार उठो ना इंडियन टीम जीतेगी। शाबाश डैडी। मेरे डैडी वैसे बहुत गुस्से वाले हैं, बट मैं हमेशा अपने डैडी को एकदम कूल डाउन करता रहता हूँ, काम करता रहता हूँ एकदम बढ़िया। कूलेस्ट बेटा हूँ ना मैं डैडी का। गाइस मॉर्निंग से कुछ खाया नहीं है, तो अभी हमने आधे गाती है पेटीज ले लिया, जरा पेटीज टेस्ट, जरा पेटी जरा टेस्ट करते कि पेटीज कैसी है। कैश है भाई कैश। क्या हाल है भैया? मस्त एकदम। हाय वाय तो कर दो कुछ तो, कम से कम यूं तो कर दो कुछ तो कर दो भैया। भैया एकदम ड्रेस है भैया, यूं हो गया भाई, ये क्या कर रहा है ये भाई? कैश करना है भैया? भैया कैश तो है नहीं, हम गरीब आदमी है भैया। चलो भैया पहले खा लेते भैया, फिर करते हैं आपको, ठीक है? और कुछ भी ले लेंगे हम, सुबह सुबह देखो भूखे निकले घर से, तो आप कुछ तो खिलाई दोगे फ्री में अपने आप ही। भैया ये जो आप कैमरे में बोल रहे हो, जैसे कैमरा बंद होगा भैया आप बोलोगे पैसे दे। पानी पानी पकड़ा देंगे। क्या कहेंगे? पानी पकड़ा देंगे ये लोग, ये ले निकल गया पेटी। जैसे हमने बोला कि भैया फ्री में कुछ खिला पिला दो, भैया ने चूरते अपना पेटे वाला बाहर निकाल लिया भाई। पीटीएम के बारे में सोच रहा था। क्या क्या सोच रहे? अभी आए बोले पीटीएम कर लो, अब गाड़ी हमारी लोग दिया, अब पीटीएम नहीं किया वो, उसको पता नहीं कैसे दिखाया कि हो गया, हमने कहा चलो हो गया होगा, खेल ले भैया अपन नहीं करते। भैया यार स्कैम हो गया गाइस, भैया यार स्कैम हो गया। सर इनो मिल जाएगी आपको, चेक कर लिया देखो यार। तो ये बोलता है ना, बोलने वाला बोलता है, खराब है। चाहिए कितने की है? देखो भैया इस बार ही हो गया, देखो आप एक बार आप मेरे फोन में चेक कर लो एक बार, कहीं हम भी यूं करें, यूं करके यूं दिखा के चले गए, दिखा के चले गए, होगा हो गया। मिस्टर गिरीश कुमार अभी देखा उसमें है नहीं भाई साहब, अभी 10 रुपए की। भाई एक बात सुनो, ये ट्रेन उल्टी क्यों आ रही है? सो भी यानी आंसर, ये ट्रेन हमारी उल्टी क्यों आ रही है? ड्राइवर की उतरी नहीं है। गाइस हमारी ट्रेन का नाम सुन लो, सरबत दा भला। 10 कई सौ उठे हैं यार, एंड बिल्कुल पता नहीं चला कि
सफर का पूरा कट गया। 4 घंटे की नींद थी भाई, बहुत गंदी नींद थी। आप लोगों ने देखा था आपने कितना लेट सोया था, पानी भी नहीं हो रही थी यार, क्या पता नहीं चला। एंड चेयर वाली सीट पे ही बैठ के सो गए भाई। रेगुलर ब्लॉग्स, डेली ब्लॉग्स, आप सभी तो मेरे को सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स ने कह लिया मैंने डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया, समझा भाई। ओ गिल के नाम से देख लो भाई स्टेशन, शुमन गिल, ये देखो गाइस गिल के नाम के स्टेशन है, देख लो शुमन गिल के नाम पे। हाँ भाई देख रहे हो हमारे गिल भाई कितने फेमस हो रहे हैं, गिल भाई के नाम का स्टेशन भी है भाई। एक मिनट ऐसे ही फेमस होना है, ऐसे ही फेमस होना है, एक दिन अपने नाम का स्टेशन लाना है भाई। बाकी यार आप लोगों ने कभी ऐसे ट्रैवल करा है ऐसे बाहर बैठ के? अगर करा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी ट्रेन का सफर ना यार मस्त होता है। और भाई एक बात तो इस साइड ना ठंड तो है, देखो गुरु हमारी टीम वाले यार कंफ्यूज थे यार। देखो भैया जा रहे बजाने वाले, भैया पे गाना सुना देते एक बार गुरु एक बार। अरे इसे अरे उस्ताद पीछे लगेंगे। हम लोग जा रहे हैं चेयर ट्रेन में, मैं सॉरी आप लोगों को बताना भूल गया, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, बट फिर भी नींद एक ऐसी चीज़ है कहीं पे भी आ सकती है। मैं और सोफी दोनों सो गए थे। एंड अभी टाइम क्या होगा, 12 बजने वाले हैं। अब यहाँ से 1 घंटा और लगेगा ना, तो 12 बजने वाले हैं, अब 1 घंटा और रहेगा। हम लोग होशियारपुर से 1 घंटा और दूर है, फिर पहुँच जाएंगे, फिर आराम से होटल में चल के बाकी नींद पूरी करेंगे। जैसे हम लोग ट्रेन में आए थे वैसे ही सो गए थे। हम लोग ट्रेन में आए, थोड़ी देर बैठे और फिर मैंने तो थोड़े मोटे शॉर्ट्स लिए आप लोगों को शूट करे, फिर उसके बाद हम लोग सो गए थे। एंड यार एकदम ओपन है भाई, ठंड भी लग रही है, ठंड ठंडी हवा लग रही है, बीच बीच में नींद खुल जा रही थी ठंड के कारण, है ना। इस साइड थोड़ी बहुत ठंड है, कॉन्टेंट और चलते फिरते मिलते रहते हैं गाइस। ये देखो हमारे समीर भाई का फ़ोन देखो हैंग हो गया, ये देखो कुछ हो नहीं रहा, इसने देख लो नकली आईफोन खरीद रखा है, ये देख लो भाई। चले गया तो नकली आईफोन मत खरीदा कर। सो गाइस हम लोग लुधियाना स्टेशन पहुंच चुके हैं। एंड यार अब चले कुछ खाएंगे भाई, सुबह से एक पेटीज खाई है। सो अभी 2 प्लेट छोले भटूरे खा लिए, आप जरा छोले कुलचे टेस्ट करते हैं कि छोले कुलचे कैसे अंदर के। वैसे तो ट्रेन के जगह खाना खाना ही नहीं चाहिए जितना मैंने सुना है और जितना मैंने देखा है लोगों के ब्लॉग्स में देखा है, ठीक है ना, गुड इन टेस्ट खा सकते हैं हम लोग। चलो भाई छोले भटूरे खाते हैं। भाई जलंधर से निकल चुके हैं एंड हम लोग जा रहे हैं बस अड्डे तक, अभी हमारी होशियारपुर की बस है और 10 बंदे देख लो एक ऑटो में बैठ के जा रहे हैं, ये देख शिव मैं और आई कर दो शिव मैं दे लो कैसे बाहर बैठा, मेरे को दे लो कैसे बाहर बैठा, ये देखो सब देखो अंदर देखो सब देखो कैसे, देखो कैसे बैठ के जा रहे हैं भाई साहब एक ही ऑटो में अंदर भाई। अभी 3 किलोमीटर और रह गए हैं। सो गाइस फाइनली इतने लंबे सफर के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं होटल में। ये बैक साइड में आप लोग हमारा होटल दिख ही रहा होगा, होटल रॉयल प्लाजा है हम लोग जहाँ पे अभी स्टे कर रहे हैं। सो बेसिकली जो ओनर हैं, जो मतलब ये टूर्नामेंट करा रहे हैं, उन्हीं का होटल है, तो हमारा स्टे भी यहीं पे है। थोड़ी सी धूप है यार, बाकी यार यहाँ पे थोड़ी बहुत ठंड वंड लग रही है ना भाई, सो भी ठंड तो है यहाँ पे। बाकी फैसिलिटी कितना, 8-10 डिग्री रात में, 8-10 डिग्री चले जाएगा। बाकी फैसिलिटीज अच्छी है ना भाई, रूम अच्छे हैं, अभी रूम भी चल के आप लोगों को शो करेंगे। क्रिकेट मैच खेलेगा अभी चल के आप सभी को रूम भी दिखाएंगे कि हमारा रूम कैसा है, मतलब अच्छा है, फैसिलिटीज अच्छी है। ये देखो सामने देखो पूल भी है एंड ये देखो कुछ ऐसा व्यू है हमारे होटल का। अभी सोई भाई स्नैप बना रहे हैं, सोई ब्रो स्नैप स्नैप सेंडिंग स्नैप। तो यार अभी आप लोगों को पता ही है कि सुबह से हमने ढंग से कुछ खाया ही नहीं है, तो अब मैं और सोवी जा रहे हैं बाहर कुछ खाने के लिए, भूख लग रही है सच में बहुत ज़्यादा तेज की। एंड यहाँ पे खाने का सिस्टम है बूफे टाइप का, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मिलेगा, फिर उसके बाद लंच मिलेगा और फिर उसके बाद रात में डिनर मिलेगा, उसके बीच में कुछ भी मतलब कि एक्स्ट्रा हम लोग चीज़ें नहीं खा सकते, तो बूफे टाइप का सिस्टम है। तो इसीलिए अब मैं और सोवी जा रहे हैं बाहर कुछ खाने के लिए, उसने भी कुछ नहीं खाया ढंग से सुबह से एंड मैंने भी ढंग से सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तो चले भाई सोवी चलो गाइस बाहर चलते हैं। बाहर लोग खाते वाते हैं यार, अभी देखते हैं यहाँ पे ढाबा कितना दूर है, भैया से पूछते हैं। चलो आ जा भैया, यहाँ पे ढाबा कहाँ पे ये बताओ पहले, ढाबा कहाँ पे यहाँ पे ढाबा है ढाबा भैया कहाँ है यहाँ पे ढाबा, मतलब यहाँ पे कितना दूर होगा यहाँ से ढाबा है, मतलब ढाबा बाहर जाना है बाहर की साइड। हाँ
बार ढाबा यार तुम्हें आप बताओ कहाँ जाए, क्योंकि हम लोग को पैदल जाना है। जाए, मिल जाए। कितना दूर जाना पड़ेगा? दो किलोमीटर, दो डेढ़ किलोमीटर, डेढ़ किलोमीटर जाना पड़ेगा। चलो धन्यवाद भैया, पैदल जाने पड़ा, पैदल जाना है हमें भैया। चलो भाई चलते हैं, भैया ने बोला कि डेढ़ किलोमीटर दूर जाना है, तो डेढ़ किलोमीटर अभी वॉक करेंगे एंड भूखे पेट वॉक करेंगे, बाकी जब खा वा के आ जाएंगे तो फिर खाना ही पच जाएगा वापसी वॉकिंग के टाइम पे। बाकी चलो चलते हैं, चल के जरा देखते हैं यहाँ का खाना ना कैसा है। सो गाइस देखो, अब दो किलोमीटर दूर जाना है हमको, तो हमने प्लान करा कि हम लोग रास्ते के लिए कुछ ना कुछ ले लेंगे। तो हमारे सोफी ब्रो ने लिया है देखो बिस्किट विस्किट, तूने भी लॉलीपॉप ले ली, प्लान सही था ना? देखा है गाइस, देखो अब दो किलोमीटर दूर जाना है तो टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो मैंने ले ली लॉलीपॉप। बढ़िया, चूसते चूसते इसको पहुँच जाएंगे जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। अभी तो हमें पता भी नहीं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ढाबा कहाँ पे। आ जाओ, आओ चिकन खाओ, जाओ चिकन खाओ, चिकन खाते नहीं हो क्यों? आज ऐसा क्या है? आ जाओ भाई, अरे आओ यार, शर्मा रहे यार, आ जाओ भाई यार, दे यार इनको दे, चलो भाई भाई ये लोग तो खाओ यार, खाओ यार। ओ भाई देखो पूरा प्रोफेशनल मैच हो रहा है, पूरा प्रोफेशनल मैच हो रहा है, सिक्का निकल चुका है भाई। उधर मैं अंपायर हूं, उधर मैं उछालूंगा, उधर अंपायर हूं। Who will call? मैं। यो मांगे। Tails. Tails is the call and Tails it is. You won the toss. अंकित भैया पहले। अंकित भैया, okay. Now your turn. अंकित कुमार। अंकित कुमार, now your turn. संचित। संचित। भैया। भैया। अरे वही बचे थे, वही आएंगे। चलो guys. भाई rule वगैरह का उल्टा खेलना है, ठीक है? और कितना और मैच? दो भैया होगा क्या? Out of है। ये बात ना होगी। आगे। दो और का heads. Tails है भाई जा। सो गाइस इस टूर्नामेंट से पता चलेगा इतने से कुछ नहीं होगा, हमें बहुत मेहनत की जरूरत है भाई, इस बैठे हमें मारने के लिए। भाई यार,
कंट्रीब्यूट करना चाहिए टीम के लिए, चाहे दो तीन करो, दो तीन दिन और बना दो बस। कितने चार मिनट चार छह रन जीतने भाई सीरीज सीरीज वन वन है भाई, सब आपके ऊपर है दारू मजा अपने पर लेके खेल लो। भाई इतना तगड़ा डिफेंस मैंने आज तक नहीं देखा, दो बैक से ठीक है ये और ये क्या तू कर रहा है भाई बहुत बढ़िया अंकित भाई, भाई ने ढंग से एथलेटिक बन गया, सौ के आएंगे भाई ना तो बैठने को बता पांच रन हो गए तीन है ना चार रन छह क्यों तेरा तो अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोग यार कैसे रूम के अंदर क्रिकेट खेल रहे थे एंड सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया सारे फ्रेंड्स से खेलने में। एंड कल हमारा मॉर्निंग का 10 बजे का नहीं, कल हमारा 1 बजे का मैच है, कल हमारा सेकंड स्लॉट का मैच है। बाकी भाई डिनर का टाइम हो चुका है, बहुत लेट हो चुका है, पाजी आ रहे हैं पिक करने के लिए। हम लोग यहाँ से 6 किलोमीटर दूर जाने वाले हैं, तो कहाँ पर जा रहा हूँ मैं डिनर करने के लिए, मैं डायरेक्ट आप लोगों को वहीं पर चल के शो करता हूँ। और बाकी मैं एक बार आप सभी को जरा अपना होटल का व्यू दिखा दूँ, कितना प्यारा लग रहा है। तो गाइस डिनर करके हम लोग आ चुके हैं एंड मैं जरा आप सभी को आप सभी के फेवरेट प्लेयर से मिलाने जा रहा हूं, जो कि बहुत टाइम से आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि मेरा भाई कहाँ है, नमन तिवारी कहाँ है, नमन तिवारी कहाँ है, नमन तिवारी यहाँ है, क्या हाल है बड़ी? बढ़िया बढ़िया भाई, क्या देखो सीखे भाई देखो हंस रहे सुनने मारा भाई, रात के 3 बजे के तू निकला हुआ था, देख लिया पहुंचा 11:30 हो गए कुछ कहना भाई सोई भाई भाई के बारे में, ये कहीं गायब हो गया था बीच रास्ते में है ना इसको मुझे गायब हो गया बहुत दूर सा हूं, गाइस देख रहे हो ये बंदा ना, मुझे लग रहा है लवा से आ रहा है, लवा से तुमको ना कर, मुझे लग रहा है बंदा डेट बता रखा था पिछले 20 दिन से, इसने कहा भी था कि मेरी एक नई गर्लफ्रेंड बन चुकी है और मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा हूँ। हाँ भाई तो कैसा रहा डेट? कौन सी डेट? वैलेंटाइन डे आने से पहले तू वापिस आ गया है क्या? कैसे रहे भाई तेरे भाई ये 20 दिन भाई? बढ़िया एकदम, गांव में था ना बढ़िया एकदम मस्त, टेनिस क्रिकेट खेली खूब खेली, भाई को मिस करा? बिल्कुल यार तुझे मिस नहीं करा। अबे यार फिलहाल जरा मेरा ये देखो बैट रखा हुआ है, ये बैट आप लोगों ने मेरे लास्ट ब्लॉग में देख ही लिया था कि मैं इसको रिपेयर करा के लाया था, तो एक बार जरा इसका जो भी थोड़ा मोटा काम बच गया एक बार जरा वो करते हैं। गाइस टाइम देखो 2:19 हो चुके हैं एंड नमन को देख लो अभी भी उठा हुआ है। हाँ भाई क्या चलाना तेरे को? पंखा? हाँ। यार तू कैसा बंदा है भाई, यार तू हद बंद, हद बंद बाबू क्या हो गया, बॉडी बैलेंस क्यों नहीं हो रहा जरा सही से? अबे इधर कंबल, हाँ पाँव फिसल गया होगा, सही है।
सो गाइज फाइनली इस व्लॉग को फिनिश करते हैं एंड 2:20 हो चुके हैं। जस्ट अभी मैंने व्लॉग एडिट करके अपलोड पे लगा के आ गया हूँ, तो प्रॉबेबली हमारी 9 कल मॉर्निंग में व्लॉग आ जाएगी। एंड जो आप सभी को वादा कर रखा है डेली व्लॉग्स वाला कि मॉर्निंग में आप सभी के लिए डेली व्लॉग्स लेके आऊँगा, तो उस वादे को पूरे करने इसीलिए लेट सो रहे हैं सारे, मतलब सारे फ्रेंड्स उस रूम में थे, सब बैठ के बात कर रहे थे। मैं यहाँ पर अपनी व्लॉग एडिट कर रहा था एंड ये सब अपना उस रूम में बैठ के बात कर रहे थे और बढ़िया फन कर रहे थे। सो गाइज आई होप कि आप लोग वाली व्लॉग अच्छी लगी होगी। अगर व्लॉग अच्छी लगे तो व्लॉग पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करना एंड जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं बहुत जल्द नई व्लॉग में। टिल देन एवरीवन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट कह रहा था मैं तेरे को, मतलब बीच में बोलना जरूरी है ना, मजा आता है बीच में बोलने को। बीच में ले भी ले एक बार क्या गंदी बातें मत करा कर यार, मस्त है बच्चों। गंदी बात इसमें क्या थी भाई, हैं गंदी बात क्या थी इसमें, इसमें अच्छी क्या थी ये बता दे। तू गंदी सोच रहा था तो गंदी बात अच्छी क्या थी, चल अच्छी बता दे। अच्छी बात चल मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा पक्का, ठीक है? ठीक है चल, ठीक है, गुड नाइट। अब बोल गुड नाइट, इधर देख के बोल गुड नाइट गाइस, बाय।